अस्सलाम वालेकुम। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत आसान ब्राउन अनियन बनाने का, घर पर बनाने का तरीका। तो यहाँ पर हमने ये प्याज देखें स्लाइस कर ली है, बहुत ही बारीक स्लाइस की, क्योंकि हमें फ्राई करना है तो हमें बहुत ही फाइन स्लाइसेस चाहिए। ये हमारा स्लाइसर, इसमें हमने, और अभी हम ये दो और करेंगे। ये हमारी एक प्याज है, वन अनियन, स्लाइस अनियन, इसको हम ब्राउन करने के लिए रखेंगे। तो ये देखें हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी अनियन जो हमने बारीक स्लाइस करके रखी है, काट के रखी है, इसको हम इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो ये अनियन फ्राई होना शुरू हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम पे नहीं करना है, इसको ऐसे ही करना है कि ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका हो आपका, और उसके बाद आप इसको इसमें अनियन डालें और इसको पकने के लिए छोड़ दें, मगर साथ साथ चलाते रहें इसको। तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्राउन बन जाएगी। इसको टाइम चाहिए तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हम प्याज कैसे, अगर आपको जल्दी करना हो तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको जल्दी फ्राई करना है तो इसमें सॉल्ट डाल दें। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी अनियन जो है हमने फ्राई कर लिए, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कर लिए हमने, ये देखें। और यहाँ पर हमने पहले की थी जो हमें ऐसी चाहिए थी, थोड़ी डार्क कलर की, क्योंकि हम जो डिश बनाने वाले हैं उसमें हमें डार्क चाहिए। तो ये थोड़ी सी हमने डार्क कर ली है और ये गोल्डन ब्राउन की हुई है हमने अनियन। आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी आसानी से ये की है, सिर्फ ऑयल गर्म किया, उसमें ये क्रश करके डाल दी और बहुत ही बारीक कर ली थी, तो ये इतनी खूबसूरत कलर की ये बन रही है। चलिए मेरी रेसिपीज को प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने कॉन्टेक्ट में, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।